क्रिश 3 2013 में रिलीज हुई थी, तब से फैंस क्रिश के अगले पार्ट यानी कि क्रिश 4 का वेट कर रहे हैं। फिर इसी साल ऋतिक रोशन ने अनाउंस किया कि क्रिश 4 पर काम जल्द ही शुरू होगा, पर उनके अनाउंसमेंट के बाद फिर क्रिश की कोई अपडेट नहीं आई। अब इस पर प्रोड्यूसर राकेश रोशन ने हाल ही में कहा कि आज के समय में ऑडियंस हॉलीवुड सुपरहीरो मूवीज को देख रहे हैं जो कि 400-500 मिलियन डॉलर्स में बनती हैं। वहीं हमारा बजट 200 से 300 करोड़ रुपए का है और ऑडियंस अभी सिनेमा घरों में आसानी से आ नहीं रही है। बजट के लिए उन्होंने कहा कि हम 10 एक्शन सीक्वेंसेस की जगह पर 4 सीक्वेंसेस कर सकते हैं, पर उसका VFX हॉलीवुड लेवल का होना चाहिए। हमें प्रोडक्शन कॉस्ट को मैनेज करना है, आजकल की बड़ी बॉलीवुड फिल्मी काम नहीं कर पा रही। तो आपको क्या लगता है, क्या आज भी ऑडियंस क्रिश 4 के लिए एक्साइटेड है? कमेंट्स में जरूर बताएं। एक्स कपल रणबीर और दीपिका के प्रेजेंट लाइफ पार्टनर्स यानी रणबीर और आलिया की जोड़ी ऑन स्क्रीन हिट साबित हो गई है। इनकी मूवी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी ने बॉक्स ऑफिस पर अब तक अपनी पकड़ बनाए हुए है। 11वें दिन मूवी ने 4 करोड़ 30 लाख का कलेक्शन किया है और इसी के साथ मूवी का 11 दिनों का टोटल कलेक्शन 109 करोड़ 38 लाख रुपए हो गया है। मूवी के पास ज्यादा समय नहीं है क्योंकि इसी फ्राइडे यानी 11 अगस्त को गदर 2 और OMG 2 रिलीज होंगी, तो देखते हैं कि क्या यह मूवी 150 करोड़ को पार कर पाती है या नहीं। 11 अगस्त को बॉलीवुड में रिलीज होने वाली हैं दो बड़ी मूवीज और इत्तेफाक से दोनों ही सीक्वल्स हैं। एक है गदर 2 तो दूसरी OMG 2। लोगों को लगा था कि दोनों मूवीज में जबरदस्त टकराव होगा, पर एडवांस बुकिंग कुछ और ही कहानी बता रही है। दोनों ही मूवीज की एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है, जहां गदर 2 ने अब तक अपनी झोली में 4 करोड़ भर लिए हैं, वहीं OMG 2 ने अब तक सिर्फ 70 लाख के टिकट्स ही बेच पाए हैं। क्या एक बार फिर से अक्षय कुमार के हाथ निराशा लगने वाली है? कमेंट्स में जरूर बताएं।